मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? अनुषी, अनुष्का, संजीवनी, तमन्ना? ओके ओके, यस अभी बस 3 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं, 8:15 पे. ओके okay? सर. हाँ बच्चे, अनुष्का, हाँ, पेपर के लिए प्रगो कैसे करना है? पेपर के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है आपको, जैसे ना अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री, एक सेकंड बच्चे, एक 9th की स्टूडेंट ने शायद ज्वाइन कर रही है, एक बार मैं उसको कुछ बता दूँ. अभी बात करता हूँ अनुष्का आपसे. अदिति, अदिति, यस सर. अदिति, मैंने ना बच्चे 9th क्लास के बच्चों को थोड़ा एक टेस्ट दिया है, वो ग्रुप पे आपके पास आ गया होगा, अभी रिसीव हो गया होगा, तो आपको मीटिंग नहीं ज्वाइन करनी, मीटिंग आप लीव कर सकते हो. आपको सिर्फ क्या करना है, वो पेपर मुझे करके 9 PM तक PDF स्कैन भेजना है मुझे पर्सनल पे, ओके ओके ठीक है? और आपसे मुझे एक बात करनी थी, आप मंडे को ऑफलाइन आ सकते हो, मतलब आपके घर में अलाउड है? मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी मुझे पूछ के. व्हाट्सएप कर देना, अगर आप मंडे को ऑफलाइन आ सकते हो तो मैं आपको ऑफलाइन टाइमिंग्स भेज दूंगा, ठीक है? ओके ओके बच्चे, अभी आप लीव कर सकते हो अदिति. हाँ अनुष्का, अब आप बोलो बच्चे, क्या कह रहे थे? सर. अच्छा, पहले एक बात बताओ, आपका फर्स्ट पेपर मैथ्स का है ना, आपने जैसे 1 दिसंबर को, यस सर. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स और ट्रिगो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, पीएनसी आपका चल रहा है, ठीक है? तो बस आपको एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर करनी है, क्योंकि एक हफ्ते में बहुत सारी बुक्स तो हो नहीं सकती, ठीक यस है? तो एक वो ही करो. मैं आपको एक वो बना के भेज दूंगा, एक क्या कहते हैं, वर्कशीट टाइप, सिर्फ वो ही कर लेना. इस बार तो सब्जेक्टिव ही होगा ना यस बस, तो फिर अब तो आपको आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, अब तो आपको पता है कि उसमें चॉइसेस वगैरह भी होती हैं और आप अपनी तरफ से लिख सकते हो अपनी तरह से. ओके सर. तवलीन, कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं, मैं जनरली बात कर रहा था बस. और तवलीन, आपका अपडेट कोई स्कूल से? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं. अभी कल कुछ भी नहीं है. माय गॉड, सर, अभी तो ये भी नहीं पता अगर परसों पेपर हुआ किस सब्जेक्ट के पेपर के लिए पढ़ना है. नहीं ये भी नहीं पता अभी. ओ माय, सर. व्हाट्स अप? हाँ संजीवनी, तमन्ना, बोलो बच्चे. खुश खुश, एक बार माइक ऑफ कर लो. खुश गुप्ता, एक बार माइक ऑफ कर लो बच्चे. खुश, हाँ हाँ बोलो बच्चे. संजीवनी, तमन्ना, सर, हमारा मंडे को पेपर है लीनियर इनइक्वालिटीज और ट्रिगो का. अच्छा ठीक है, तो ट्रिगो तो आज मैं खत्म ही कर रहा हूँ, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए करना है तो मैं कल बुला लूंगा आपको, ठीक है? ओके सर. और आपको अब आपका ऑनलाइन ही है ना वो तो? यस सर. हाँ, और लीनियर इक्वालिटीज आपका हो गया, मैम ने करा दिया होगा? यस सर, बस डाउट है वो मैं कल आके कर लूंगी. अच्छा ठीक है, और ट्रिगो मैं अभी कंप्लीट करा रहा हूँ, अभी आप देख लो, खत्म हो रही है आज ट्रिगो, ठीक है? सर आज खत्म? हाँ, ट्रिगो आज खत्म है, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स ट्रिगो एंड डेरिवेटिव साथ चलेगा, वो बताया था मैंने शायद आपको सबको, या नहीं? यस. अच्छा, ऑफलाइन स्टूडेंट से मेरी बात हो गई थी, ऑनलाइन से नहीं हुई थी, ऑनलाइन से मैं आज बात करूंगा, ठीक है? वो वर्कशीट आपने कर ली थी सबने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अरे सर वो पूरी करनी थी. हाँ, वो पूरी कर ली थी ना एक बार, मतलब एक बार इसलिए पूरी करनी होती है ताकि आपको पता चल जाएगी ट्रिगो में मतलब कंफर्ट लेवल किस हद तक है उसके, या मतलब रेंज क्या है मतलब उसकी, ठीक है ना? तो कंफर्ट जोन कैसा लगा सबको? मॉडरेट. अच्छा, कंफर्ट जोन मॉडरेट लगा है, ओके ठीक है. और मैं एक बार सबसे पूछ लूं, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? ओके यस सर. जस्ट सेकेंड, ये
ओपन क्यों, अच्छा ठीक है। लक्ष्य जैन, यस सर, आपको बच्चे मैंने ना एक साइंस का आपको ग्रुप पे वो किया होगा, पीडीएफ भेजी है, वो करके मुझे भेजनी है, मीटिंग नहीं ज्वाइन करनी आज। ओके सर, ठीक है लक्ष्य, वो पीडीएफ करके जल्दी से मुझे मतलब 9 PM तक आपको भेजनी है, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो अभी। ओके सर। हाँ आदित्य, वर्कशीट कैसी लगी, आपसे स्टार्ट करते हैं, जो मैंने ग्रुप पे वर्कशीट भेजी थी कंफर्ट जोन की। आदित्य की वॉइस नहीं आ रही है। अनाउष्का, सो मॉडरेट, मॉडरेट लगी है, ओके। अनुषी जैन, इजी थी, इजी लगी। देखो ये नहीं कि कंफर्ट है, तो आपको ऑनेस्टली बताना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वर्कशीट जो मैं चैलेंज जोन बनाने वाला हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे पूछ रहा हूँ। अनुष्का, थोड़े से क्वेश्चंस हो गए थे लेकिन थोड़े में डिफिकल्टी आ रही थी। देखो जो मैंने सबको भेजा है ये कंफर्ट जोन, मतलब मैं जिस दिन भी बोलूं वो कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अनुष्का हो गया, गर्वित सर, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाकी तो हो गया था। और गौरव पांडे, गौरव टर्म टू में तो बोल लो, क्या हो गया, क्या पूछ रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी से, कम ऑन। हरमन, कर ली पूरी वर्कशीट? यस सर, सर थोड़े क्वेश्चंस हो गए, थोड़े में थोड़े से डिफिकल्टी आ रही है। अच्छा ठीक है, कंफर्ट जोन के बारे में मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बता दिया था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैंने, बताओ कितने मार्क्स के बोले थे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन जितने भी, 1 marker और या फिर मैक्सिमम 2 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं था इसमें। हितांशी, आपको कैसे लगी बच्चे वर्कशीट जो कम्फर्ट जोन था? सर एक आधे क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। बाकी सारे हो गए, तो मतलब डिड यू फाइंड इट इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? सर मॉडरेट, मॉडरेट, ओके। जसकीरत, सर उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करो, जो बच्चे करे नहीं है। जसकीरत, मैंने उस दिन भी आपको ऑफलाइन बोला था बच्चे, सर आपने मंडे तक कहा था ना। अच्छा ठीक है, ठीक है मंडे तक, चलो ठीक है, पर कर लेना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो टर्म टू का पेपर है वो अभी जो मैंने आपको कंफर्ट जोन का जो असाइनमेंट दिया है वैसा नहीं है, ये सिर्फ मैं आपका बेस सेट कर रहा हूँ बच्चे, ये एक मतलब मैं कैन से फाउंडेशन रख रहा हूँ ट्रिगो की, कि आपको ये सब आता हो, क्योंकि आज जो मैं फॉर्मूले कराऊंगा और एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, तो पॉसिबल है कि आपको लगे कि यार इतने सारे फॉर्मूले कैसे करूं मैं, तो आप पाइलअप मत करो काम सब, जिसका भी टर्म वन हो चुका है वो कंप्लीट हो गया ना, अब उसको उसको कितना सोच लोगे और, तो टर्म टू पे आप शिफ्ट करो, ठीक है, मतलब थोड़ा गियर चेंज करो बच्चे अपना, अब सब्जेक्टिव पेपर के लिए है, तो ऐसे मत सोचना कि चल एंड के टर्म टाइम में फरवरी में कर लूंगा, बहुत सारा कर लूंगा, 24 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं होगा, मुझे पता है ना, मैं तो देख रहा हूँ क्या चल रहा है ऑलरेडी, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो फाइनली तो ऑफलाइन ही है इस बार, ओके। कनिका, आपको कैसी लगी वर्कशीट? मॉडरेट, मॉडरेट लगी है। कार्तिक अत्री, सर मॉडरेट लगी और 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है। और खुश गुप्ता, सर मॉडरेट। और खुश कृतिका गुप्ता, सर मॉडरेट। ओ सबका कंफर्ट जोन मॉडरेट चल रहा है अभी। लवण्या, सर मॉडरेट, बस 2 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा? सर 2 क्वेश्चन में डाउट है। कौन कौन से? क्वेश्चन 4.7। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यस मुस्कान, व्हाट अबाउट यू? सर ठीक थी, ठीक थी, ओके। प्रियांश पाल,
ठीक थी, बस एक नाइन्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पर फिर वो हो गया। ओके प्रियांशी बंसल सर मॉडरेट लगी। मॉडरेट लगी है ओके। साइशा कपूर यस सर हो गए थे क्वेश्चंस। ओके सारे हो गए। यस सर। ओके संजीवनी एंड तमन्ना सर मॉडरेट थी। मॉडरेट थी ओके। व्हाट अबाउट शगुन शगुन हाँ। अच्छा ठीक है तो आपके टर्म वन का कुछ डिसाइड हुआ? टर्म वन का ऑनलाइन हो रहे हो? हाँ मेरी उससे बात हुई थी गुनिका से तो आपको तो मेरे ख्याल से अलाउ ही नहीं कर रहे ऑनलाइन ना। यस सर। तो आपका 26 को जैसे मैथ का एग्जाम है ना 26 को आई गेस। यस यस। और उससे पहले आप क्या ऑफलाइन दे सकते हो मेरे पास पेपर कभी इन वीक में या नहीं? सर वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं जो मेरा दूसरा इंस्टीट्यूट है वो भी एक्चुअली ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर के लिए कह रहे थे पर टाइमिंग डिसाइड हो जाए। आप एक बार मुझे ना आज एक बार 10 PM कॉल करना ठीक है? ओके सर। ओके और सत्यमानंद आपको कैसी लगी वर्कशीट? सर हो गए थे क्वेश्चंस एक दो बस नहीं हुआ था जो थोड़ा डाउट था। सार्थक यस आप कुछ बोलना चाहते हो? तो जो वो बचे हुए क्वेश्चंस थे थोड़े से वो आप डिस्कस करोगे? अभी कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ। अच्छा और उन्नति आपको? मॉडरेट थी। मॉडरेट। और तवलीन सर मॉडरेट। मॉडरेट ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले कराऊंगा ठीक है और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वर्कशीट के वो डिस्कस करेंगे ताकि हम कंफर्ट जोन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म कर लें ठीक है। तो 10 to 15 minutes अभी फॉर्मूले। तो आपके पास फॉर्मूले की लिस्ट होगी सबके पास अभी? यस रेडी है ना सबके पास? यस सर। 2 minutes। मेरी एको कैसे आ रही है बच्चे? एको क्यों आ रही है मेरी वॉइस की? ओके प्लीज वो बच्चा मत ऑन करना माइक जिससे एको आ रही है। ओके तो फॉर्मूला फॉर्मूले की लिस्ट जो है उसमें हम 12th फॉर्मूला क्या किया था आई गेस 12 हुए थे ना या सॉरी 6 हुए थे ना तो 6 फॉर्मूला क्या कराया था मैंने? कुछ होमवर्क भी दिया होगा सर। 6 फॉर्मूला तो cosec a plus b था। cosec a plus b था a plus minus b था ठीक है और फिर 7th भी दिया था मैंने कोई sin a plus ab हो गया था। 7th कराना है क्यों? सर मुझे इसके आगे मिले ही नहीं पिछली रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने तो सर रिकॉर्डिंग में ही नहीं मिले। अच्छा सर बाकी तीन आपने खुद अच्छा होमवर्क दिए थे वो तो मैंने। अच्छा 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 ठीक है तो पहले एक बार जल्दी जल्दी बता दो 9th फॉर्मूला क्या था सर? tan 2 सर tan 2 tan 2 ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। नेक्स्ट 10th cot 2 a cot 2 a तो वो कितना है? ठीक है। उसके बाद 11th sec 2a वो कितना हो जाएगा? 1 upon 1 plus tan square a upon 1 minus tan square a। बस मैं यही बता रहा हूँ मैं लिखूंगा नहीं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। cos 2a के 5 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। यस सर। तो उन सबका क्या कर दोगे? Reciprocal. Reciprocal, that's it. ऐसे ही 11th फॉर्मूला जो था वो क्या था? cosec 2a तो वो हो जाएगा 1 by sin 2a तो sin 2a के कितने फॉर्मूले थे? दो। तो उन दोनों का reciprocal हो जाएगा ठीक है सर। 11 टर्म्स में सिर्फ reciprocal कर देंगे ना? Yes. सर और जो cot वाला है cot 2 है सर उसमें हम सर 1 minus tan square upon 2 tan a पे नहीं छोड़ सकते उसे cot के टर्म्स में लाएंगे?
हाँ कॉट का कॉट में. ओके सो लेट्स बिगिन 13 फॉर्मूला. मुस्कान कुछ कहना चाह रही है? हाँ बच्चे. सर आपने tan 3a का मतलब 3x का भी एक सेपरेटली लिखवाया वो था. हाँ वो मैंने ऑफलाइन करा दिया होगा पर वो मैं अभी कराऊंगा दोबारा. उस दिन क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी ना शायद. यस सर. हाँ तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. आपने एक्स्ट्रा कर रखा है तो वो अभी अभी फटाफट फटाफट कर लेते हैं. अच्छा 13 फॉर्मूला स्टार्ट करना है साइन 3a से. ओके साइन थ्राइस ऑफ ए, इसको कैसे बोलोगे? साइन थ्राइस ऑफ ए, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं साइन ऑफ थ्राइस ऑफ ए. तो कितने फंक्शंस चल रहे हैं एट ए टाइम? ऑफ का मतलब एक फंक्शन हो जाता है ना. सो थ्री. थ्री तो थ्राइस ऑफ ए एक फंक्शन है और उसके ऊपर भी एक क्या फंक्शन है साइन का. आया समझ या नहीं? यस सर. पहले ए का थ्राइस हो रहा है फिर थ्री ओ के ऊपर एक साइन फंक्शन लग रहा है. तो अगर मैं समझूं तो एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ए है तो दूसरा ट्राइंगल क्या है जिसका एंगल थ्री ए है. ठीक है तो ये पी ये बी ये एच तो कौन से ट्राइंगल का पी बी पी और एच लेना है फर्स्ट या सेकंड? सेकंड. सेकंड का मैंने पूछा था पी और एच किसका लेना है, इसका नहीं लेना क्योंकि ए का थ्राइस हो चुका है. इज दैट क्लियर टू ऑल? यस. ओके तो 13 फॉर्मूला में एक बार दोबारा लिखता हूं साइन 3a. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन 2a प्लस a. ओके साइन क्या लिखा मैंने 2a प्लस a तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया ये सबको याद होगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला. अब यहाँ पे क्या करना है a को 2a लेना है और b को a. Is that clear? Yes, sir. Yes. तो क्या बनेगा फॉर्मूला साइन कॉस ए प्लस कॉस टू ए साइन ए. यस और साइन टू ए का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कौन सा टू साइन ए कॉस ए और एक कॉस ए तो साथ में था ही प्लस कॉस टू ए के कितने फॉर्मूले होते हैं सर? फाइव. लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो cos 2a का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें साइन आता हो जिसमें सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a तो ये तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट था पिंक वाले में तो मैंने cos a के साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगाया बट यहाँ पे माइनस आने की वजह से मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. अच्छा कोई बता सकता है कि मैंने साइन टू ए का दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए? सर वो किसी काम का नहीं होता, आपको साइन के टर्म में चाहिए. यस. ओके अभी क्या बन जाएगा सर? टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए. ठीक है टू साइन ए cos square a प्लस यस अनुष्का. यस अनुष्का बोलो. अनुष्का हैंड रेज किया था बच्चे बोलो. सर हाँ हमने साइन 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan square a लिया था और सर tan 3 का फॉर्मूला हम दूसरे टर्म्स में क्यों नहीं लिख सकते? एक मिनट दोबारा बोलना क्या कहना चाह रहे हो? साइन 2a का फॉर्मूला हमने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक. अच्छा जब भी tan tan का क्वेश्चन आएगा तो tan का फॉर्मूला यूज करेंगे और अभी हमारा क्वेश्चन साइन का है तो इसलिए मैंने साइन वाला यूज किया. ओके सर. अभी और अभी आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा डोंट वरी. अच्छा साइन a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा?
तो साइन है माइनस 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 सार्थक आपकी एको आ रही है बच्चे, बहुत अपना माइक ऑफ रखना बच्चे आप। अच्छा अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? वन माइनस साइन प्लस साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, इज दैट क्लियर? यस। अब पूरा क्वेश्चन साइन में आ गया, पूरा साइन में आ गया, ठीक है पूरा साइन में आ गया ना, तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा फाइनली? ठीक है तो लाइक टर्म्स को ऐड करो, लाइक टर्म्स को ऐड करो। सर थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है, यानी फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने साइन थ्री ए का, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। नोट किया सबने? यस सर। आराम से नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। डन एवरीवन? यस। बाय चांस किसी ने डेरिवेशन नहीं भी नोट करी तो रिकॉर्डिंग अभी सेंड करूंगा मैं रात को। By chance, किसी ने डेरिवेशन नोट नहीं भी करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थ्री ए की वैल्यू ये आ रही है। Sir, अच्छा हाँ बच्चे बोलो। सर एक डाउट था, जो आपने सेकंड स्टेप लिखे ग्रीन कलर से, हाँ ग्रीन कलर से बोलो। सर उसमें हमने cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्यों लिया, हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एनीवन जो इसके क्वेश्चन का आंसर दे देगा ये बोलू तक। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे साइन का क्वेश्चन है तो साइन की टर्म्स में बेटर रहेगा। ओके कोई और बोलेगा, एको नहीं आनी चाहिए। यस सर, बिकॉज कॉस टू ए हमने साइन की टर्म्स में इसलिए लिया बिकॉज फिर क्योंकि फॉर्मूले में हमें साइन ही चाहिए था। ठीक है वैसे पांच फॉर्मूले होते हैं पर उसमें से वाइजली चूज कर लिया। अच्छा जैसे आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया क्या मैम के साथ? एनीवन? नो सर। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है कोई बता सकता है मैं ये कॉस 2a के जो पांच फॉर्मूले हैं वो कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? बाई फैक्टोरियल, टोटल कितने फॉर्मूले हैं सर? फाइव। ओके तो पहला फॉर्मूला मैंने लिया क्या, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। दूसरा क्या ले लिया मैंने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तीसरा मैंने ले लिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। चौथा मैंने ले लिया वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और फिफ्थ ले लिया मैंने कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। तो मेरे पास कितने वेज हैं इनको रीअरेंज लिखने के? फाइव फैक्टोरियल। गुड, तो पीएनसी सबका चल रहा है ना, कोई मिस तो नहीं कर रहा ना क्लासेस? नो सर। मुझे ध्यान रखना क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री में पीएनसी रखूंगा, पीएनसी में ट्रिगो रखूंगा अभी थोड़े और टाइम में, फिर पीएनसी में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में पीएनसी, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव, पीएनसी में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में पीएनसी। तो मतलब ध्यान रखना, मतलब हाँ कोई कॉन्सेप्चुअल एरर आ रहा हो तो मुझे जरूर बताना है, ठीक है? ओके नाउ ये क्लियर हो गया। तो इसमें से कौन सा मैंने चूज किया मेनली? सर थर्ड। थर्ड चूज किया, लेकिन अभी आपका मैम के साथ कॉम्बिनेशन नहीं स्टार्ट हुआ तो मैं आपको तब बताऊंगा ये वाली बात कि कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, ठीक है? ओके सो आई गेस हमने नोट कर लिया फॉर्मूला 13। यस सर। ओके
नाउ 14th फॉर्मूला ऑब्वियसली कौन सा कराने वाला हूं मैं? cos 3 cos 3 of a. ठीक है, देखो कई बार हम ना ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो 3 है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस 3 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्यूब. हाँ हाँ, वो तो ये होता है, वो तो ये होता है ना बच्चे. देखो क्यूब स्क्वायर तो पावर में लिखे जाते हैं ना, क्यूब स्क्वायर तो पावर में लिखे जाते हैं, पावर में. यहाँ पे तो थ्राइस है ना, थ्राइस ट्वाइस. अभी भी नहीं समझ आया? थ्री टाइम्स आ गया, लेकिन कभी कभार हम पावर को भी ऐसी बोल देते हैं. हाँ वो नहीं बोलना, नहीं नहीं नहीं, नहीं. एक बार इसको बोलना कार्तिक, कॉस ए टू. हाँ अब लेकिन आपके क्या ब्रेन कह रहा है कि आप इसको ऐसे बोलो? एक बार बोलना इसको. कॉस ए थ्री. हाँ वो ब्रेन कह रहा है या जबरदस्ती बोला है? जबरदस्ती. हाँ है ना, मतलब आपने सोचा नहीं था आपके माइंड. हाँ लेकिन अगर आप इसको बोलना बच्चे, ये cos a raised to the power 3. अब बोला गया ना? यस सर. हाँ तो ये raised to the power 3 को ही तो क्यूब कहते हैं, है ना? यस सर. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. जो 14th फॉर्मूला है वो cos 3a है. 3 मेरे मुंह से निकल रहा है पर आप थ्राइस बोलोगे, कोशिश करनी है थ्राइस बोलने की, पर कोई बात नहीं 3a भी निकल रहा है तो इट्स ओके. ठीक है, तो cos thrice of a या cos 3a, पर एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, चाहे मुंह से कुछ भी निकल रहा हो बोलते हुए. तो sin thrice of a का फॉर्मूला क्या था? 3 sin 4 sin cube. अब पता है क्या करो, बहुत इजी है. डेरिवेशन तो खुद करनी है क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया. डेरिवेशन तो आपको उसकी खुद कर लोगे, मुझे पता है, वो एज अ होमवर्क करोगे आप. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 की जगह क्या लिखना है? 4 और 4 की जगह 3 और साइन क्यूब ए की जगह क्या लिखना है? डायगनली कॉस क्यूब और साइन की जगह कॉस ए. कॉस ए लिखना आया? यस सर. ओके तो 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस थ्राइस ऑफ ए का. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके ऑब्वियसली मैं 15th फॉर्मूला कौन सा बोलने वाला हूँ? tan thrice of a. tan thrice of a, गुड. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? sin cube a upon cos 3a. sin 3 क्यूब तो बोल ही नहीं सकते. sin 3a upon cos 3a. और tan 3a. tan 2a plus a. हाँ और ब्रेन क्या कह रहा है आप सबका कि किससे आपको इजी लग रहा है सोचना? tan 2a plus a. और वो नेचुरल बात है क्योंकि एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, साइन एंड कॉस कॉमन क्यों सार्थक? साइन एंड कॉस कॉमन मतलब सर आप भी इसे साइन 3 अपॉन कॉस 3 खोलोगे ना तो उसमें कॉमन ले. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं उससे नहीं करा रहा मैं अभी, उस वो होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि इससे आपको लेके आना है, मैं इससे करा रहा हूँ. हाँ बच्चे. सर बट साइन 3 अपॉन कॉस 3 आया कैसे? अरे टेन टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय कॉस. ओके सर ठीक है. ओके तो टेन 2a प्लस a क्या बनेगा बच्चे? टेन 2a प्लस टेन a अपॉन व्हाट? इससे तो आप काफी फेमिलियर हो चुके हो, 10a + b से. 10a + b से एवरीवन, 10a + b. यस सर. ठीक है तो वो होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a - 10b. ओके नाउ इन प्लेस ऑफ 10 2a व्हाट शुड आई राइट? 2 10a upon 1 - 10 square. ठीक है तो 2 10a upon 1 - 10 square a plus 10a upon 1 - 2 10a upon. हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो
सर साइन थ्री ए अपॉन कॉस थ्री ए को हम साइन थ्री ए साइन थ्राइस ऑफ ए एंड कॉस थ्राइस ऑफ ए की आइडेंटिटी लगा के भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वो होमवर्क दिया है मैंने। ओके सर, जो मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूँ ना वही आना चाहिए उससे भी, जो मैं फॉर्मूला अभी निकालने वाला हूँ उससे भी वही आना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है ना। ओके सर। अच्छा मैं क्या करूँ, टेन ए को क्या ले लू, मैं टी ले लू, टेन ए को टी क्योंकि सब जगह टेन ही है ना। यस सर। ठीक है तो कितना आएगा, यहाँ पे बॉक्स में कर रहा हूं मैं, टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन वन माइनस टू टी अपॉन वन माइनस टी ए। ये दो टी थे ना, ये दो टी थे ना। ठीक है एलसीएम लेने के बाद कितना आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद मैं व्हाइट से कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से एलसीएम लेने के बाद कितना आ रहा है, फाइनली इसका एलसीएम लिया और इसका एलसीएम लिया तो 2t प्लस t माइनस टी क्यूब। एवरीवन चेक इट। यस सर। यहाँ पे मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया और 1 माइनस टी स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गए, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। तो नीचे क्या रह गया, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। सो फाइनली कहां तक पहुंच गए हम, ऐड करो इनको, 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। गुड, 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। और t तो हमने क्या लिया हुआ था, t हमने क्या लिया था, tan a। ठीक है सो फाइनली जो फॉर्मूला आया है स्लो कैसे हो गया, फाइनली जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, टेन थ्री ए का थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। एवरीवन जस्ट चेक इट फास्ट। टेन थ्री ए लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट है 16th फॉर्मूला। ऑब्वियसली क्या होने वाला है वो, कॉट थ्राइस ऑफ ए। कॉट थ्राइस ऑफ ए। नेक्स्ट सेक थ्राइस ऑफ ए कोसेक थ्राइस ऑफ ए। ठीक है तो ये एज अ होमवर्क है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूं 19th फॉर्मूला पे। ठीक है अब जैसे मैंने सबसे पहले आपको कराया था साइन 2a, फिर किस क्या कराया था, आज क्या कराया है, साइन ट्वाइस ऑफ a। ठीक है अब ऐसे ही ना आपको करना है साइन a का। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने a का कोफिशियंट क्या लिया था, सबसे पहले 2 लिया था, फिर आज क्या लिया था a का कोफिशियंट, 3। अब क्या लेना है a का कोफिशियंट, 1। तो 4 वाले नहीं करने, 4 वाले नहीं करने, मैक्सिमम कहां तक है यानी 3 तक। ठीक है तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बता सकता है कि मैंने 1 से नहीं स्टार्ट किया, सीधा 2 से स्टार्ट किया? ऑब्वियसली मुझे 1 से नहीं करना चाहिए था, साइन 1 a साइन a का फॉर्मूला हो गया ना, साइन सब तो 10th में कर सर, साइन a 1 इनटू a a, क्योंकि आप उससे ऑलरेडी फैमिलियर हो शुरुआत से ही, 10th से ही ना, अभी जो सार्थक ने बोला आप आज तक साइन a कॉस a तो कर रहे थे, उस टाइम पे a का कोफिशिएंट क्या रहता था हमेशा 1। हां तो उससे आप ऑलरेडी फैमिलियर थे, लेकिन 11th में कैसे होता है ये वाला फॉर्मूला, लेट्स सी।
तो मैंने लिखा साइन ए, तो क्या मैं यहाँ पे साइन ए बाय टू प्लस ए बाय टू लिख सकता हूँ? यस सर। यस यस सर। तो क्या इसका फॉर्मूला यही आ जाएगा, टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू? यस सर। और करके क्या लिखूं, और करके क्या लिखूं जल्दी बता दो। टैन ए बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाय टू। नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो ट्वेंटीथ फॉर्मूला क्या लिखने वाला हूं मैं सर? कॉस से। कॉस से। तो कॉस से के कितने फॉर्मूले होते हैं? फाइव। उन सब फाइव में क्या हो जाएगा, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, उन सब में क्या हो जाएगा? ए बाय टू। ए बाय टू, नाइस, वेरी नाइस। तो उन सब में पांच के पांच फॉर्मूले में ए बाय टू हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ट्वेंटी फर्स्ट क्या लिखने वाला हूं मैं? टेन ए। टेन ए। ट्वेंटी सेकेंड कॉटे। ट्वेंटी थर्ड सेके। और ट्वेंटी फिफ्थ कोसेके। कोसेके। ठीक है, तो सीधा 26 पे आ जाओ, आई होप इतना तो समझ आई गया होगा होमवर्क क्या है। यस सर। सीधा 26 पे आ जाओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर इन सब में बस एक ही जगह अपॉन टू डाल के। हाँ, लेकिन सब पे 50-50 क्वेश्चंस है, ये बात ध्यान रखना कि सब पे 50-50 क्वेश्चंस हैं। 50 नहीं तो 25 तो है ही, आधे कर दिए। ये नहीं कि आपने वो याद नहीं करा, मतलब पढ़ा नहीं उसको। मूव करें 26 पे या नहीं, कुछ पूछा चाह रहा है कोई बच्चा? यस सर। अनुषी, हाँ बेटा बिल्कुल सही पूछा है अनुषी। अगर आपका आपको खुद का अपना फॉर्मूला बनाना है तो साइन 3a को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 साइन 3a बाय 2 कॉस 3a बाय 2। इट दिस इज करेक्ट। ओके ओके सर। बट इसको करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इसकी, मैंने पहले कभी करा दिया होगा पर अब नहीं है। अच्छा, अब जो 26th फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, चार फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो देख लो। तो साइन ए प्लस बी क्या होता था, किसी को याद है? और अगर मैं उसमें साइन ए माइनस बी ऐड कर दूं तो क्या आएगा? हाँ, ये आप खुद भी करके देख सकते हो। वैसे ही मैं ये वाला फॉर्मूला कर रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस। वैसे ही क्या कोई जज कर सकता है इसका क्या फॉर्मूला होगा? टू कॉस ए कॉस बी। और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का माइनस टू साइन ए। तुमने नोट कर लिया ये? यस सर। ओके, तो मैंने ए की में चार लिखवा दिए, वैसे सब पे 50-50 क्वेश्चंस हैं। ओके, अगर मैं a प्लस बी को c ले लूं और a माइनस बी को d, मेरा मतलब a प्लस बी को मैंने c लिया और a माइनस बी को d लिया, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी? c प्लस डी अपॉन टू। और b की वैल्यू क्या आएगी अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो? c माइनस डी अपॉन। ठीक है, तो मैं ना साथ साथ ही 26th के 27th लिख रहा हूं, तो a पार्ट क्या बन गया बच्ची? एनीवन? टू साइन c प्लस डी बाय टू कॉस c माइनस डी बाय टू।
वेरी नाइस। तो इसका बी पार्ट क्या बन गया 27th का ही। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन, वेरी नाइस। इसी का सी पार्ट कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस सी बाय टू कॉस सी माइनस सी बाय टू एंड फाइनली डी पार्ट कॉस सी माइनस कॉस डी क्या बनेगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। तो जितना सिलेबस में फॉर्मूले थे वो तो सब मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, ओके। अब आपको करना क्या है वो मैं बताया था। वैसे ये फॉर्मूले समझ में आ गए 26 और 27? यस सर, यस सर, ठीक है। और मैंने एक में चार कर दिए तो आपको टोटल फॉर्मूले काउंट भी करोगे ना तो 50 के नियर बाय आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले अभी नहीं करने बच्चे, वो उल्टे ही हैं। देखो सार्थक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये किसका साइन है? सप्लस। हाँ, और यहाँ पे क्या है? इनटू। हाँ, तो इसको उल्टा बोल दो, मतलब उल्टा बोल दोगे तो प्रोडक्ट के फॉर्मूले बन जाएंगे। चाहो किस, ठीक है। तो जितना अभी सिलेबस में है सबने फॉर्मूले नोट कर लिए सारे? यस सर। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अब आपको सबको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले का यूज करके आपको जो मैंने कंफर्ट जोन की वर्कशीट भेजी है वो आपको अब खुद दोबारा ट्राई करनी है खुद से, और फिर हम क्या करेंगे, इसका डाउट सेशन रखेंगे या तो कल या तो मंडे को, ठीक है। मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन डाउट सेशन होगा, कल तो नहीं सॉरी मंडे को, मतलब दोनों होगा, ऑनलाइन भी होगा डाउट सेशन और ऑफलाइन भी होगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन आके डाउट सेशन लेना चाहते हैं तो वो मंडे को ऑफलाइन आएंगे, नहीं तो मंडे को ही ऑनलाइन, क्योंकि ट्यूजडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगो एंड डेरिवेटिव्स, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री का चैलेंज जोन दूंगा मैं और डेरिवेटिव्स का कंफर्ट जोन, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रिगो एंड डेरिवेटिव्स का चैलेंज जोन एंड कंफर्ट जोन। थोड़ी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रिगो का कंफर्ट जोन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इसका मिलेगा चैलेंज जोन और डेरिवेटिव का साथ साथ मिलेगा कंफर्ट जोन, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका ट्रिगो का चैलेंज जोन के डाउट्स खत्म होते जाएंगे प्लस डेरिवेटिव्स के कंफर्ट जोन के डाउट्स खत्म होते जाएंगे, फिर दोनों का मिक्स करके पहला कंफर्ट जोन फिर चैलेंज जोन, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे जाके दिसंबर के मिड के बाद से की बात अगर मैं करूं तो पीएनसी पीएनसी डेरिवेटिव्स ट्रिगो और कौन सा चैप्टर है सर? कॉम्बिनेशंस। नहीं, पीएनसी पूरा बोल दिया मैंने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉनिक सेक्शंस लीनियर इनइक्वालिटीज और प्रोबेबिलिटी में, चलो ट्रिगो नहीं है तो बच गए उसमें आप, ठीक है। तो पीएनसी लीनियर इनइक्वालिटीज कॉनिक सेक्शंस डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्री उन सब का मिला के कंफर्ट जोन एंड चैलेंज जोन। इज दैट क्लियर? स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। तब तक आपका मैम के साथ चल रहा है कॉनिक सेक्शन लीनियर इक्वालिटीज पीएनसी मैम के साथ चल रहा है, आपका दो मेरे साथ चल रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिसंबर या मिड ऑफ दिसंबर तक आपको मैं दे दूंगा और वो आपको कंप्लीट करने हैं बिफोर योर एग्जाम्स, मतलब टर्म टू के, ठीक है। और डेरिवेटिव्स के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए मैं आपको पहले बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्यूजडे से बहुत मजा आने वाला है आपको,
बाकी जो बच्चे ट्यूसडे से ऑफलाइन आएंगे उनको और ज्यादा मजा आएगा डेरिवेटिव्स में, जो ऑनलाइन है उनको भी मजा आएगा, बट अगर वो ट्राई कर सकते हैं कभी ऑफलाइन आने का तो वो मुझे मंडे को बता देंगे। जो रेगुलरली ऑफलाइन आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो और न्यू एडिशन अगर कोई करना चाहता है, जो आना चाहता है, शुरू करना चाहता है तो वो बता सकता है मेरे। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो सारे ये वाले फॉर्मूले जो होमवर्क दिए मैंने रिकॉर्डिंग्स में शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, प्लस कंफर्ट जोन दोबारा से जो जो बचे हुए खुद ट्राई करने हैं, फिर मंडे को इसकी डाउट क्लास। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। आपको कंफर्ट जोन सेंड करना है? कंफर्ट जोन सेंड करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सबका चाहिए होगा चैलेंज जोन ऑफलाइन। कंफर्ट जोन आप ऑनलाइन सेंड करो ना करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ऑफलाइन नहीं आ सकता क्लासेस में लेकिन वो मुझे देके जरूर जाएगा कभी ना कभी काम सैटरडे संडे में, चैलेंज जोन वाला, ये तो ऑफलाइन ही लूंगा मैं चैलेंज जोन, तो उसमें कोई ऑनलाइन नहीं लूंगा मैं, चाहे कैसे भी करो घर में मेरी घर अगर अपने पेरेंट्स से बात करा जाए तो पेरेंट्स से बात करा दो, लेकिन चैलेंज जोन ट्रिगो का तो ऑफलाइन ही सबमिट करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके ओके, तो आज इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय सर, थैंक यू सर।